गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मैथ का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ा था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर। चलिए देखिए, जैसे ये फिगर दिया है, इसमें क्या दिया, पहला 1/2 है, दूसरा 2/4 है, तीसरा 3/6 है, चौथा 4/8। ये चारों आपस में इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि देखिए, सब में अगर ऐसे बोले तो हम लोग क्या, सबका हाफ पार्ट क्या है, सेडेड है, और हाफ पार्ट क्या है, विदाउट सेडेड है। इसलिए अगर 1/2 तो 1/2 नॉर्मल 1/2, अगर 2/4 कहीं पर लिखा है, 2/4 को अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होगा, 2/4, 2 1 2, 2 2 4 आ जाता है 1/2। उसी तरह 3/6 अगर लिखा हुआ है, 3 1 3, 3 2 6, यानी आ जाता है 1/2। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको काटने पे क्या हो, वही सेम आ जाए, तो वही क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। देख दिया, 2 or more फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जो क्या करता है, होल नंबर का सेम पार्ट दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और देखिए उसका रूल दिया, टू गेट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ए गिवन फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए भी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं गिवन फ्रैक्शन के किसी भी सेम नंबर से। यानी अगर किसी भी सेम नंबर से अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या, उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए, 3/4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर में, नीचे में भी 4 को 2 से कर दिया, फिर 3/4 दोनों को ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20। ये सारा क्या हो, ये सारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालने देते, जैसे यहाँ 5/7 है, बोल दे 5/7 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, पहला क्या करेंगे, 5/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10/14। दूसरा क्या करेंगे, फिर 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 15/6, 5/7 है, 21 हो जाएगा। और उसी तरह नेक्स्ट 5/7 को फिर नेक्स्ट बोलेगा तो फिर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 4 हो जाएगा 20/20, 8। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अरे जैसे इसका दिया, अब 3/4 दिया है और क्या बोला, न्यूमिनेटर की जगह क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है, 3/4 और न्यूमिनेटर की जगह, यानी ये इस जगह दे दिया पहले से 15 है और यहाँ पे हम लोगों को भरना है। अब देखिए ये इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ये 3 का 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी वही नंबर आएगा जो 4 का क्या होगा, 5 टाइम्स होगा, तो 4 × 5 कितना होता है, 20, तो इसमें क्या आएगा, 20 आएगा। इस तरह से हम लोग न्यूमिनेटर बोले या डिनोमिनेटर बोले उस तरीके से करके लिख सकते हैं। अब क्या दिया, टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, दिया टेस्ट करने के लिए दो दिया हुआ फ्रैक्शन क्या हो, इक्वल है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो जैसे नॉर्मल एक दिया, ए बराबर ए बी बराबर सी डी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू डी बराबर ए बी इंटू सी। अगर ये दोनों हो गया, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी हो गया तो ये होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को। या फिर इसको हम लोग कटा के भी देख सकते हैं, जैसे 7/12 है, ये देखिए सिंपल फॉर्म में ये अब कटेगा, नहीं कटेगा, 36/60 है, ये कट सकता है, क्या होगा, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 3/5 ये 7 × 3/5 ये नहीं है, ये नहीं होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर कोई सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो जाए तो वह क्या होगा, कट जाएगा, तो वही आ जाएगा क्या, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और उससे डिवाइड के, जैसे यहाँ देखिए 21/35 है, ये देखिए ये कौन से टेबल में आता है,
हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सेवन के टेबल में आता है, तो ऊपर नीचे दोनों को सेवन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी सेवन से डिवाइड, नीचे भी सेवन से डिवाइड, ऊपर हो जाएगा थ्री, नीचे आ जाएगा फाइव, थ्री बाई फाइव क्या सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अब नहीं कटने वाला है। इस तरीके से हम लोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो नंबर होगा ये हर समय सेम होगा, यानी जिससे डिवाइड करेंगे वो दोनों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये चैप्टर है, ये आपको बनाने हैं, आई होप कि आप लोगों से बन जाएगा। बाय, टेक केयर।